सो आज हम कंपेयर करने वाले हैं यूनाइटेड बाइक्स की मायामी 4.0 और मार्लिन बाइक्स की M900 को। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं ऐसी शेयर करने वाला हूं जो शायद आपको कोई भी बाइक शॉप वाला कभी भी शेयर नहीं करेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यूनाइटेड बाइक्स जो है ये एक इंडोनेशियन ब्रांड है एंड मार्लिन बाइक्स जो है ये हमारे इंडिया का एक ब्रांड है। इन दोनों का ही लुक्स बहुत ही अच्छा है, दोनों को आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही देखने में लगती है। हाउएवर थोड़ा सा अगर आप डिटेलिंग में चेक करोगे तो मार्लिन की जो M900 है वो यूनाइटेड की मायामी के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लुक ओवरऑल प्रोवाइड करती है बिकॉज ऑफ द न्यू ग्राफिक्स। जिस तरीके से मार्लिन बाइक्स में आपको जो उनके ग्राफिक्स है वो दिखते हैं, प्लस उनका जो पेंट जॉब है, जो ओवरऑल फ्रेम का स्मूथ फिनिश है, उसके वजह से मार्लिन की M900 यूनाइटेड की मायामी से थोड़ा सा ज्यादा स्टैंड आउट करती है इन टर्म्स ऑफ लुक में। फ्रेम्स के वेल्डिंग्स को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यूनाइटेड के फ्रेम में आप देखोगे कि जो वेल्डिंग के मार्क्स है ना वो बहुत इजीली विजिबल हैं, कहीं पे भी आपको स्मूथ वेल्डिंग नजर नहीं आता है। बट मार्लिन M900 के फ्रेम में आपको स्मूथ वेल्डिंग दिया गया है जिसके वजह से फ्रेम का लुक यूनाइटेड के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड कई बार कार्बन बाइक्स की फिनिशिंग होती है ना वैसी ये बाइक लगती है। एंड ड्रॉपर पोस्ट भी रेडी है, तो फ्यूचर में अगर आपको ड्रॉपर पोस्ट लगाना हो तो वो आप इस साइकिल में लगा सकते हो मार्लिन वाले में, जो कि यूनाइटेड के फ्रेम में पॉसिबल नहीं है। आपको एडिशनली उसमें होल करना पड़ेगा और वो करोगे तो आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। अब दोनों साइकिल के फ्रेम की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड मायामी का जो फ्रेम है वो हाइड्रोफॉर्म्ड एलॉय का बना हुआ है। मार्लिन M900 का जो फ्रेम है ये डबल बटेड एलॉय फ्रेम का बना हुआ है। दोनों ही फ्रेम टेपर्ड हेड ट्यूब के साथ आते हैं। नाउ यूनाइटेड मायामी में जो आपको हेडसेट मिलता है वो नॉर्मल वाला हेडसेट है, बेयरिंग वाला। वहीं पर जो मार्लिन M900 में आपको हेडसेट मिलता है वो मिलता है सील्ड बेयरिंग वाला, जो कि हमने ज़्यादातर एक्सपेंसिव बाइक्स में ही देखने को मिलता है बिकॉज ये जो हेडसेट्स होते हैं ना थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, तो कंपनियाँ कई बार इसमें भी काफ़ी हद तक पैसा बचा लेती है। बिकॉज जनरली अगर मैं बोलूं, अगर आप एक नॉर्मल हेडसेट खरीदने जाओगे 400 से 500 में मिल जाएगा, सील्ड बेयरिंग वाला लेने जाओगे तो मिनिमम 2500 रुपये तक खर्चा पड़ता है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो दोनों ही साइकिल SR Suntour XCM का जो सस्पेंशन फोक है वो प्रोवाइड करती है। यूनाइटेड में आपको 27 में 120 mm का फोक मिल जाता है और 29er में 100, और मार्लिन की M900 सिर्फ 29er में आती है तो उसमें आपको 100 mm का फोक मिलता है। दोनों ही साइकिल में आपको लॉकआउट जो है वो मिल जाते हैं, तो फोक के मामले में दोनों ही बराबर है। तो देखो दोनों ही ब्रांड आपको डबल वॉल्ड एलॉय का जो व्हील सेट है वो प्रोवाइड करती है, बट यूनाइटेड की मायामी में जो आपको हब्स मिलते हैं ना वो इनके इन हाउस हब्स हैं। अब वो सील्ड बेयरिंग है या नॉर्मल कार्ट्रिज वाले बेयरिंग है उसका आइडिया मुझे नहीं है बिकॉज इनके वेबसाइट पे या कहीं पे भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है। वहीं पर जो M900 है इसके व्हील सेट में आपको सोलॉन ब्रांड के तरफ से जो सील्ड बेयरिंग के हब्स हैं वो प्रोवाइड किया गया है। अब देख लेते हैं दोनों साइकिल का ड्राइव ट्रेन जिसमें ये कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो यूनाइटेड की जो मायामी है वो आपको 3x9 के मिक्स ग्रुप सेट के साथ मिलती है। मिक्स यानी कि इसमें मिक्स कंपोनेंट लगाया गया है, एल्यूवियो के सारे कंपोनेंट्स इसमें नहीं यूज़ किए गए हैं। वहीं पर जो M900 है इसमें आपको 2x9 शिमानो एल्यूवियो का ही जो पूरा ड्राइव ट्रेन है वो प्रोवाइड किया गया है, मिक्स कंपोनेंट M900 में यूज़ नहीं किया गया है। तो यूनाइटेड मायामी में जो क्रैंकसेट लगाया गया है ये लगाया गया है 3-speed का क्रैंकसेट। तो अगर आप जनरली मार्केट में खरीदने के लिए जाओगे ना तो ये आपको 1600 रुपये के अंदर बहुत ईजिली मिल जाएगा। वहीं पर जो मार्लिन की M900 है इसमें शिमानो एलिवियो का जो क्रैंकसेट है वो यूज़ किया गया है, जो अगर आप मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हो तो 2400 रुपये तक का आपको खर्चा बैठ सकता है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव कंपोनेंट आपको मार्लिन के M900 में देखने को मिलता है। इनके चेन की बात कर लेते हैं तो यूनाइटेड की मायामी में आपको TEC ब्रांड का 9-speed का चेन मिलता है, जो मैंने आज से पहले कभी ब्रांड नेम सुना नहीं है। तो मैंने गूगल सर्च किया तो मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला नहीं। वहीं पर जो मार्लिन की M900 है उसमें आपको KMC ब्रांड की Z9 चेन मिलती है, जो आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो कुछ 1400 से 1500 रुपए की इंडिया में पड़ती है। गियर शिफ्टर्स की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड की मायामी जो है ये 3x9 एल्टस के शिफ्टर्स के साथ आती है, बट एलिवियो का डीरेलर है। इसी वजह से मैंने कहा था कि इसमें आपको मिक्स कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, यानी कि सारे कंपोनेंट्स शिमानो एलिवियो के नहीं है या फिर शिमानो एल्टस के नहीं है, मिक्स कंपोनेंट किया गया है। वहीं पर जो मार्लिन की M900 है इसमें आपको शिमानो एलिवियो के 2x9 के जो शिफ्टर्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। हाउएवर दोनों ही जो शिफ्टर्स हैं ना इनका प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम ही आ जाता है। शिमानो एल्टस का प्राइस कुछ 2400 रुपये तक मिल जाता है, वहीं पर जो एलिवियो है वो कुछ 2600 से 2700 रुपये के अंडर मिल जाता है। रियर डीरेलर की बात करें तो दोनों ही साइकिल में आपको रियर डीरेलर में शिमानो एलिवियो देखने को मिलता है, बट जो यूनाइटेड मायामी है उसके फ्रंट में आपको एल्टस का 3-speed का डीरेलर देखने को मिलता है
और जो मार्लिन की M900 है उसमें आपको शिमानो एलिवियो का 2 स्पीड का डीरेलर देखने को मिलता है। जो 3 स्पीड का एल्टेस का डीरेलर है वो कुछ 1000 रुपीज में आपको मार्केट में मिल जाता है। वहीं पर जो 2 स्पीड का एलिवियो का डीरेलर है उसके लिए आपको तकरीबन 1400 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अभी तक आपको काफी हद तक पता चल गया होगा कि दोनों साइकिल में कितना ज्यादा डिफरेंस है कॉम्पोनेंट्स को लेकर, प्राइसिंग कहाँ कहाँ पे बच रही है, कहाँ कहाँ पे ज्यादा है। देखो अभी तक ड्राइव ट्रेन का देख के आपको पता चल गया होगा कि ड्राइव ट्रेन में सबसे ज्यादा पैसे जो है ना वो कंपनियां बचा लेती है, जैसे कि मिक्स ग्रुप सेट और एक सीरीज का पूरा ग्रुप सेट देने से। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल गया होगा अभी तक। तो अब बढ़ते हैं और भी डिफरेंसेस की तरफ। यूनाइटेड मायामी में जो आपको सीट पोस्ट मिलता है ना वो नॉर्मल वाला सीट पोस्ट मिलता है, जो जनरली आपने देखा होगा जितने भी मास मार्केट की बाइक्स हैं उसमें वैसे ही सीट पोस्ट आपको देखने को मिलते हैं। बट जो मार्लिन की M900 है उसमें आप जो सीट पोस्ट देखोगे ना ये 2 बोल्ट वाले आते हैं, जो ज़्यादातर आप देखोगे कि थोड़े से एक्सपेंसिव बाइक्स में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड की क्लोविस में भी सेम 2 बोल्ट वाले ही जो सीट पोस्ट है ना उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मार्लिन की M900 में भी आपको वही सीट पोस्ट दिखता है, बट यूनाइटेड के मायामी में हमको वो वाला सीट पोस्ट का ऑप्शन यूनाइटेड ने नहीं प्रोवाइड किया है जो क्लोविस सीरीज में दे रही है। अब देखो इन दोनों साइकिल के हैंडल बार और स्टेम के मामले में मैं इनको सेम ही बोलूंगा, बिकॉज दोनों ही अलॉय का स्टेम है, अलॉय का हैंडल बार है। अब बात आती है इनके ब्रेक्स पे। यूनाइटेड मायामी में आपको शिमानो MT200 के जो ब्रेक्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया है, जो अगर हम इंडिया में खरीदने के लिए जाएंगे तो कुछ 4200 रुपये की MRP पे मिल जाता है। वहीं पर जो मार्लिन की M900 है उसमें टेक्ट्रो HDM275 के ब्रेक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसको अगर आप लेने जाते हो तो कुछ 5500 से 6000 रुपए के बीच में उसकी MRP है। अब जहां पे कंपनीज कई बार पैसा बचा लेती है वो है उसके डिस्क ब्रेक के रोटर पे। यूनाइटेड मायामी में जो आपको रोटर मिलता है ना वो है OEM नॉन ब्रांडेड रोटर्स आपको यहां पे प्रोवाइड करती है, और वहीं पर जो मार्लिन की M900 है इसमें जो आपको डिस्क ब्रेक का रोटर मिलता है वो मिलता है टेक्ट्रो ब्रांड की तरफ से। अगर आप थोड़ा सा गूगल सर्च करोगे ना तो आपको नॉन ब्रांडेड रोटर्स आपको अमेजन पे कुछ 300 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। वहीं पर जो टेक्ट्रो के रोटर्स अगर आप खरीदने के लिए जाओगे तो कुछ 800 से 900 रुपए आपको खर्च करना पड़ता है। यूनाइटेड मायामी जो है वो 15.3 केजीज के आसपास है, मैंने पर्सनली वेट नहीं किया है बट इंटरनेट पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल की गई है। और मार्लिन की जो M900 है वो 14.7 केजीज की है, तो यहाँ पे भी मार्लिन के M900 थोड़ी सी ज्यादा हल्की है कंपेयर टू यूनाइटेड। अगर इनका हम प्राइस देखें तो यूनाइटेड की मायामी 41,000 के MRP पे है, और वहीं पर जो मार्लिन की M900 है वो 43,000 के MRP पे है। एंड ऑब्वियसली अगर MRP है दोनों बाइक्स का तो आपको ऑन स्टोर ऑफ स्टोर काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल ही जाता है। इनफैक्ट मैं ही काफी ज्यादा अच्छे डिस्काउंट आपको वैसे दिला सकता हूँ। बाइक के व्हील सेट के टायर, तो यूनाइटेड के मायामी में आपको केंडा के टायर्स प्रोवाइड किए गए हैं। कौन सा मॉडल है वो यूनाइटेड ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है। मार्लिन की M900 में आपको केंडा बूस्टर के टायर मिल जाते हैं, जो कि क्रॉस कंट्री रेसिंग एंड फास्टर राइडिंग के लिए काफी अच्छा टायर माना जाता है। अब ये जो दोनों ब्रांड की साइकिलें हैं ना ये अपने अपने कस्टमर बेस और उनके चॉइस के हिसाब से जो साइकिल है वो मार्केट में प्रोवाइड कर रही है। एज अ कस्टमर आपको ये चूज करना है कि आपको अपने हार्ड एंड मनी को किस जगह पे लगाना है जिससे आपको मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी मिल सके। इनकेस अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और कोई कंपैरिजन वीडियो चाहिए वो भी बता सकते हो। इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ।